एक दूजे के वास्ते। अगर कमजोर होती तो दुनिया में सबकी बातों से फर्क पड़ता मुझे, उनका कभी असर नहीं हुआ। पर अपनों की कड़वी बातें क्यों इतनी तकलीफ देती हैं? बहुत अजीब हैं रिश्ते, जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं को दर्द देते हैं। पता था चाची क्या कहना चाह रही थी, फिर भी बुरा लगा मुझे। सबको नींद आ गई और मैं अभी भी। जिंदगी से मैंने यही सीखा है कि हर खुशी हर गम सब हमसे है। चाची को गुस्से में बोलकर भी मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बात भी मेरे ही दिल का बोझ बनी। कंधा, कंधे में एक्चुअली दर्द बढ़ गया था अचानक, तो नींद नहीं आ रही थी बस। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम अच्छे खासे थे, अचानक दर्द कैसे शुरू हो गया? वो मैं हाँ एक्चुअली मैं ना वो जा रहा था तो दरवाजे से टकरा गया था। श्रवण, तुम एक छोटे बच्चे थोड़ी हो जो चलते चलते कहीं भी टकरा जाते हो। अब तुम एक ऑफिसर हो, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तुम पे, और तुम अपनी चोट का भी ध्यान नहीं रख सकते। दिखाओ कितनी लगी है। नहीं नहीं नहीं, दिखाने लायक चोट नहीं है, बस वो जरा सा टकरा गया था दरवाजे, तो थोड़ा सा दर्द, अगर तुम दवाई दे दो तो। कभी मेरा घर इनका पीजी है, कभी मेडिकल स्टोर। रो रही थी क्या? सुमन भाई, बाय। ये आज भी ना वैसी की वैसी है, पता ही नहीं लगने देती कि क्या फील कर रही है। वैसा क्या करूं कि इसका दर्द कुछ कम हो जाए यार। विक्रम को मैंने हमेशा एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह देखा है, पर आज उसने भी कुछ नहीं कहा, बिना बताए बस गायब हो गया। क्या लोग सोचते नहीं कि उनकी एक छोटी सी चीज किसी को तकलीफ पहुंचा सकती है? Let me guess, दर्द और बढ़ गया। विक्रम को तुमसे बात करनी है। एंड सुमन, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, पर इतना जरूर कहूंगा कि विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, अगर तुम एक बार उससे बात कर ले तो। बात नंबर एक, विक्रम को मुझसे जो भी कहना है, जो भी बात करनी है, वो डायरेक्टली हो वही बेस्ट है। मेरा नंबर है उसके पास, वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। बात नंबर दो, विक्रम और मेरी किसी भी बात के बीच ना तुम्हें आना है ना कुछ बोलना है, वो सबके लिए बेस्ट है, ओके? क्योंकि जो भी हुआ, इट वाज नॉट यू। तुम ऐसी हरकतें नहीं करते हो विक्रम। आई नो सुमन, और इसीलिए मुझे इतना खराब लग रहा है। जो बात तुमने मुझे बेझिझक बता दी थी, वो सच बताने में मैं डर गया था। सच? क्या सुमन, वो सूफी और मैं, हम दोनों मुंबई में साथ में थे, सेम कॉलेज में, और हम रिलेशनशिप में थे। मैं इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन सूफी ने रिजेक्ट कर दिया था। व्हाट?
और उस दिन ना सुमन वो चाय की टपरी पे जब हम मिले थे तो अचानक मतलब मैंने बहुत कूल रहने की कोशिश की लेकिन मैं बहुत हड़बड़ा गया था. लगा कि अगर मैं सूफी वाली बात तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें शायद लगे कि रिजेक्टेड टाइप का बंदा है इसलिए चिपकू टाइप का हो रहा है. क्योंकि मैं हमारे रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने तो मुझे बताने के बजाय तुम्हें गाया बजाना ज्यादा ठीक लगा. आई नो सुमन, गलती हो गई मुझसे. तुम सारी रात सो भी नहीं पाई ना. एक मिनट, तुम्हें कैसे पता? अब वो सुमन को ये मत बताना कि हमने ये सब बातें की. इसकी कोई जरूरत नहीं. उसे लगना चाहिए ना कि तुझे तेरी गलती का एहसास खुद हुआ है. हाँ, इतना तो जानता हूँ ना मैं तुम्हें. तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना. देखो सुमन, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कभी भी तुम्हारे दुख की वजह मैं बनूं. बहुत जानते हो ना तुम मेरे बारे में, पर इतना सा भी नहीं जान पाए कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैंने भी तो तुम्हें बताया ना श्रवण और मेरे बारे में, फिर भी तो. लेकिन सुमन, जो तुम्हारे और श्रवण के बीच में था उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं था ना. तुमने कहा था ना वो बचपना था जो तुम दोनों वक्त के साथ भूल गए. लेकिन जो मेरे और सूफी के बीच में था ना वो बहुत सीरियस था, मैच्योर था, यू नो. मैच्योर? खैर, खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने फाइनली सच बता दिया. आओ चाय पीते हैं. सुमन, वो एक्चुअली क्या है कि सूफी को भी सॉरी बोलना है क्योंकि उस दिन मेरा बिहेवियर बहुत अजीब हो गया था तो यू नो उसे बहुत वियर्ड लगा होगा उस दिन. सो ये हुई ना बात. अब ये है वो विक्रम जिसे मैं जानती हूँ. चलो अच्छा, दो दिन में इसकी पहली स्माइल तो देखने को मिली मुझे. तुम भी चलो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. तुम होकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ. ओके ओके. ये अचानक ऐसे क्यों छुप गया? तुम्हें बुरा लगा होगा तो तुम सो नहीं पाई होगी और फिर अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा तो तुम्हें रोना भी आया होगा ना. मुझे सॉरी बोलने के लिए कहीं श्रवण ने तो विक्रम से बात नहीं की? विक्रम, मैं भी आती हूँ. आई थिंक सोफी को अच्छा लगेगा और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा. आ जाओ. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.